तो गाइज अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पे कुछ इस टाइप की सिनेमैटिक रील्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, और कुछ इस टाइप की जो लिरिक्स इसमें लिख के आ रही है, सेम टू सेम जब बोल रहा है वैसे लिख के आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा वायरल आ रहा है। और आप लोग भी ऐसा रील्स बना सकते हो गाइज। आज की इस वीडियो में पूरा स्टेप बाई स्टेप हम आपको बताए हैं कि आपको कैसे वीडियो शूट करना है, और आपको कैसे वीडियो को एडिटिंग करना है, और किस ऐप से एडिटिंग करना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, ओके। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, चलते मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो गाइज यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और एक VPN डाउनलोड कर लेना है। तो VPN को पहले ओपन करके VPN को आपको कनेक्ट कर लेना है, तभी आपका कैपकट ऐप चलेगा। तो गाइज सबसे पहले आपको एक सिंपल सा ऐसा वीडियो एक शूट कर लेना है, आपको दिखा रहे हैं, देखो आपको ऐसे ऐसे चलना है और पीछे से एक वीडियो ऐसे नॉर्मल से एक वीडियो शूट कर लेना है, ठीक है, आपको ऐसे शूट कर लेना है। और शूट करने के बाद आपको चले जाना है कैपकट ऐप के में। एंड गाइस कैपकट ऐप में आ जाने के बाद न्यू बजट पे क्लिक करना है, और जो आप लोग वीडियो शूट किए हो ना उसको आपको ओपन कर लेना है इसमें। तो ऐड करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा जब हम दूर जा रहे हैं इधर से, ठीक है ना, इधर से इतना वीडियो को उस पर क्लिक करके स्प्लिट कर लेना है, और ये जो बाकी पार्ट है इसको डिलीट कर लेना है। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके कलर को ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा कलर इसमें बढ़ाएंगे। तो वीडियो के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और आपको आ जाना नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपको एडजस्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। एडजस्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर एक HSL वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो HSL वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके सेचुरेशन को आपको 4 रख लेना है, ठीक है। फिर आपको येलो कलर पे क्लिक करना है, इसके भी सेचुरेशन को आपको 4 कर लेना है। फिर ग्रीन वाला कलर पे क्लिक करना है, और जो इसके लाइटनेस है लाइटनेस को थोड़ा डार्क में रखना है, ठीक है, तो तभी अच्छा लगेगा। तो इसको डार्क में थोड़ा कर लेते हैं, और डार्क में कर लेने के बाद आपको फिर बैक आ जाना है। देन गाइस बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना है, सेचुरेशन वाला ऑप्शन पर आना है, और इसके सेचुरेशन को बढ़ा लेना है थोड़ा, इतना करीब बढ़ा लेना है, ठीक है, और थोड़ी सी शार्पिंग को बढ़ा लेनी है, ओके। और आपको फिर शेडो वाला ऑप्शन पे आना है, और इसके शेडो को भी बढ़ा लेना है। और शेडो बढ़ा लेने के बाद आपको फिर ह्यू वाला ऑप्शन पे आना है, और ह्यू को माइनस की ओर ले जाना है, तभी आपका जो ये है थोड़ा ग्रीन कलर का होगा। तो ह्यू को आपको माइनस कर लेना है 18K, और फिर राइट क्लिक कर लेना है। तो इतना ऑप्शन कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें सिनेमैटिक इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो सिनेमैटिक इफेक्ट आप लोग जानते ही होंगे, जो थोड़ा ग्लो टाइप का इफेक्ट रहता है, तो उसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है। वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नाइट क्लब वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन नाइट क्लब वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बहुत सारा आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कलर लेस फ्लैश वाला आपको इफेक्ट दिख रहा होगा 4 नंबर पर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और फिर से इसके ऊपर एक बार और क्लिक करना है, ठीक है ना। और क्लिक कर लेने के बाद ये जो स्पीड है, स्पीड को 0 कर लेंगे, और एटमॉस्फेयर जो है इसको पूरा फुल कर लेंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। और ये जो ग्लो है, ग्लो को थोड़ा कम करेंगे, और इसके रेंज को थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है, जितना में आपको ग्लो चाहिए इतना इतना कर लेंगे। और ये जो कलर है, यहाँ पर आप लोग कलर भी चूज़ कर सकते हो, कोई सा भी कलर लगा सकते हो जो आपको कलर चाहिए। तो यहाँ पर हम वाइट ही रहने देते हैं, वाइट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वाइट ही रहने देते हैं इसको, और रेंज को थोड़ा कम कर लेते हैं, और ग्लो को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इतना इतना कर लेने के बाद यहाँ पर इसके इसको राइट क्लिक कर लेंगे, और राइट क्लिक कर लेने के बाद ये जो फिल्टर लगा है इस पर क्लिक करेंगे लेयर पर, और इसको पूरा फुल कर लेंगे जितना वीडियो है हमारा, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे, ठीक है। देन गाइस डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको स्लो मोशन वीडियो करना है। तो स्लो मोशन आपको कैसे करना है, पहले 2 कदम आपको चलना है नॉर्मल स्पीड में, ठीक है, इतना, अब आपको स्लो करना है। तो स्लो करने के लिए आपको इस वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, और स्प्लिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कट कर लेना है, और ये जो पार्ट है इसको स्लो मोशन करना है, ठीक है। तो इधर से पहले हम इतना आधा पार्ट को इसका डिलीट कर लेते हैं, स्प्लिट करके ये जो बाकी हिस्सा है इसको डिलीट कर लेते हैं, और इस वाला पार्ट के ऊपर क्लिक करके स्पीड वाला ऑप्शन पे आएंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, और इसको पूरा 0.1 पूरा माइनस स्लो मोशन कर लेंगे, और स्लो एंड स्मूथ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बेटर प्रोग्रेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक कर लेंगे।
इससे जो हमारी वीडियो स्लो मोशन होगी बहुत ही अच्छी लगेगी स्लो मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वीडियो में, तो यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो में अप्लाई हो गया है। और ये जो फिल्टर है छोटा पड़ रहा है, तो इसको भी बढ़ा लेते हैं हम लोग पूरा। कम से कम वीडियो 15 सेकंड की रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 16 सेकंड का कर लेते हैं और ये जो बाकी पार्ट है इसको डिलीट कर लेते हैं। तो अभी आप लोग गाइस वीडियो देखो, स्लो मोशन हो गया है वीडियो में, कलर ग्रेडिंग हो गई है और ग्लो इफेक्ट लग चुका है, ये देखो। तो इतना हो गया। अब क्या करना है गाइस, अब हमको अपने वीडियो में टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। पहले जो भी वीडियो हमको एडिटिंग करनी है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, वो वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है, जो वीडियो का टेक्स्ट लिखना है। और वो वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको ऑडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको वीडियो को पर क्लिक करके इसके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और आपको सुनना है क्या बोल रहा है। आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, यहाँ पर बोल रहा है आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, ठीक है। इसको लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, स्टाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ब्लैक कर लेना है फॉन्ट को, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। इसको और इसको छोटा कर लेना है, और इतना कर लेने के बाद आपको फिर एनिमेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और एनिमेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइप टू वाला इफेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको अप्लाई कर लेना है और इसको बढ़ाकर करीब, तो यहाँ पर पूरा सेम टू सेम आप जब बोलोगे तब आपका वीडियो लिखेगा इसमें लिरिक्स, ये देखो। आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, ठीक है, जो मुझे खोने से डरा। अब बोल रहा है जो मुझे खोने से डरता हो, ठीक है। तो फिर से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे जो मुझे खोने से डरता हो, ठीक है, और फिर रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी वही वाला एनिमेशन को ऐड कर लेंगे टाइप, और ये जो एनिमेशन का साइज है इसको ड्यूरेशन को बढ़ा लेंगे जो मुझे खो, और यहाँ पर रेडी हो गया देखो, जो मुझे खोने से डरा हो। और ये जो बाकी जो पार्ट है इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे, ठीक है, लेयर को पकड़ के। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है एडिट हो गई है गाइस, आपको एक बार प्ले करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देख लो एक बार। आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे खोने से डरा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है एडिटिंग हो चुकी है, आपको बता दिए कैसे आपको वीडियो को एडिटिंग करना है, ग्लो इफेक्ट कैसे डालना है, कलर ग्रेडिंग कैसे करना है। अब इसको लास्ट में गाइस आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसको ऊपर क्लिक कर लेना है, इसको हाई कर लेना है, इसको भी हाई कर लेना है और देन एक्सपोर्ट कर लेना है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, तुमको इससे आगे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम का आइडिया आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।